wanna get to your clothes, gotta get it right now. I wanna push all the limits with you right now. So watch your feelings, the city's screaming when I'm coming home tonight. We're living quick in the world, gotta get it right now. People talk and tell what you wanna hear now, but they all disappear, they will let you down. So we better stick together, let's come whatever. We're not coming home tonight. We're living quick in the world, gotta get it right now. गुड मॉर्निंग. सुबह 9 बजे एक बार फ़ोन आई और कुछ देर पहले भी फ़ोन आई. मैं अभी उठ रही बल्कि दोबारा सो जाती हूँ. आज मेरी एक फ्रेंड के साथ चांदनी चौक जाने का प्लान है. एक्चुअली शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर UPSC और अभी अभी उसने ब्लॉगिंग शुरू करी है. स्टूडेंट है इसलिए काफ़ी पंक्चुअल है, विच इज़ रियली गुड. मुझे देखो BPO रात भर चौकीदारी कर करके अभी भी उठा नहीं जा रही. तो चांदनी चौक से मैंने ये बल्ब लिया है. मुझे ओवरऑल टोटल पड़ा 1400 का. ज़्यादा महंगा हो गया शायद. इसका अलग से लिया 1000 समथिंग. अंदर में एक बल्ब है 100 रुपीज़ का और इसके साथ होल्डर भी है अंदर यहाँ पे लगाने के लिए. लेकिन मैं होल्डर नहीं लगाऊंगी. मुझे लगता है कि मैंने गलती कर दी होल्डर लेके, क्योंकि होल्डर मैंने जस्ट इसको ऐसे लटकाना है एंड दिस पीस इज़ क्वाइट हैवी. नीचे गिर भी सकता है इसलिए इसके लिए मैं बाद में एक रैक अलग से यहाँ पे डालूंगी. फिलहाल तो मैं आपको ये हैंग करके दिखाती हूँ. मैंने इस बल्ब के साथ में ये फेरी लाइट्स भी डाला हुआ है. ये फेरी लाइट्स मैंने बहुत साल पहले लिया था, ऐसे ही पड़ा हुआ था, मैंने इसके साथ लगा दिया. तो चलो मैं आपको जला के दिखाती हूँ. कैसा लग रहा है? अभी लाइट बंद करके दिखाते हैं. इसे तो मैंने अभी हैंग किया हुआ है, बाद में मैं यहाँ पे छोटा सा एक रैक ऐसे डालूंगी इसको होल्डर ये बल्ब को रखने के लिए. नहीं तो मुझे डर लगता है कि ये गिर ना जाए, क्योंकि ये काफी हैवी है ये जो बल्ब. तो ये है मेरा छोटा सा कमरा जिसको मैंने डेकोरेशन किया है. दिल्ली में मैं छोटा सा रूम में ओनली 8500 देती हूँ. 8500 में कितना ही अच्छा घर मिल जाएगा, इसलिए मुझे मिला है पुराना सा घर. 2 रूम है और काफ़ी सालों से मैं यहाँ पे रहती हूँ और मुझे इससे शिफ्ट करने का मन नहीं है, क्योंकि शिफ्टिंग में अकेली हूँ तो काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है. अगर आपने मेरा रूम का कंडीशन नहीं देखा तो लास्ट वीडियो में आप ज़रूर देखना ये रूम कैसा था और मैंने जैसा तैसा करके इसको सजा दिया है. मेरा मानना है आपका घर जैसा भी हो, आप किसी बंगलों में रहते हो, झोपड़ी में रहते हो, कहीं पर भी रहते हो, घर में रहने वाला खुश होना चाहिए. That is the main thing. और आप जो भी सामान अवेलेबल है उसको आप जुगाड़ करके अच्छी तरह आप घर को तो स्वर्ग बना ही सकते हो. वो तो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड है. लास्ट टाइम भी मैंने काफ़ी सारे सफाई करी थी मेरे पुराना सा रूम को. मैंने बेडरूम को किया और वॉशरूम को, बाथरूम को साफ़ किया और बाहर को साफ़ किया.
बेलकनी रह गई और किचन रह गई, अभी मैं बेलकनी की सफाई करूंगी, धीरे धीरे करके सफाई करूंगी। सफाई करते करते अंधेरा हो गया, देखो अभी से ही फॉग शुरू हो गया। ये आधा रख दिया यहाँ पे, नेक्स्ट वीक छुट्टी के दिन यहाँ पे वो करूँगी, प्लांट करूँगी। और ये तो मैंने लकड़ी ऐसे काट के रखा है जलाने के लिए। तो आज का मेरा डिनर बहुत ही सिंपल बनेगा, बॉयल बनाऊँगी मैं सब्जी में, चावल बनाऊँगी, पपीता, तंडी, शलगम, आलू और कैरेट, थोड़ा सा मिर्ची और बॉयल्ड एग, बस वही होगा मेरा आज का डिनर। और साइड बाय साइड वहाँ पे मैं कुछ आग में कुछ जलाऊंगी, रोस्टिंग करूँगी वहाँ पे, उसके साथ खाऊंगी। तो पानी भी उबल चुका है, बस ऐसा डाल देना है, मिर्ची भी ऐसा डाल दिया, बाद में फोड़ना है तो फोड़ सकते हैं ऐसे, और डाल दिया बस, बाद में आप इसमें धनिया डालना है तो डाल सकते हैं, डालना है। और इसमें मैंने राइस भी डाल दिया। पालक थोड़ा सा डाल देती हूँ, आधा कच्चा, अब ये जाएगी कैसे बना या I wanna get to your clothes, gotta get it right now, wanna push all the limits with you right now, so watch your feelings, this it is screaming, we're not coming home tonight, we're living quick in the world, gotta get it right now, people talk and tell what you wanna hear now, but they all disappear, they will let you down, so we better stick together, let's come whatever, we're not coming home tonight, we're living quick in the world, gotta get it right now.